नमस्कार मित्रों, आज हम आपको विंडोज से संबंधित 35 मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंपिटेटिव एग्जाम, RSAT या और भी कोई कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे जो भी एग्जाम है, सभी एग्जामों में इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। मोस्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, उस पर क्लिक करें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये ग्रे कलर में बदल जाएगा, उसके जस्ट पास में बेल का ऑप्शन दिखाई देगा। बेल के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे उसमें पहला ऑप्शन आता है ऑल का, उस पर क्लिक कर दें, जिससे आगे और भी कोई क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है या ETC जो भी वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है? पहला है कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, दूसरा है कंप्यूटर शटडाउन करना, तीसरा है कंप्यूटर स्टार्ट करना, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोर शुरू करना। इसका आंसर है सी, कंप्यूटर स्टार्ट करना। प्रश्न नंबर 2, कोर्टाना तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पहला है इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, दूसरा है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, तीसरा सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित करें। पहला है होम, दूसरा है टास्क बार, तीसरा है स्क्रॉल बार, चौथा है कोई नहीं। चित्र के अनुसार इसका आंसर है सी, स्क्रॉल बार। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? इसमें पहला है GUI, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है यूनिक्स और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम GUI। इसका आंसर हुआ ए, GUI। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? पहला है विंडोज 7, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है यूनिक्स, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विंडोज 7 भी विंडोज का भाग है, लिनक्स यूनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर आएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्न में से दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? पहला है फोल्डर, दूसरा है पृष्ठभूमि, तीसरा है टास्क बार, चौथा है प्रोग्राम समारोह। तो इसका आंसर आएगा सी, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 7, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स को टेम्पली स्टोर करता है। पहला है इनबॉक्स, दूसरा है उपरोक्त में कोई नहीं, तीसरा है रिसाइकल बिन, चौथा है फोल्डर। इसका आंसर आएगा रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 8, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? इसमें पहला है ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, तीसरा है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, चौथा है उपरोक्त सभी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी डी। प्रश्न नंबर 9, दिए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान भरें। ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंप्यूटर डिवाइस, चौथा है मैनेजमेंट। इसका आंसर आएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती है, जिसमें पहला है डेटाबेस मैनेजमेंट, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 11, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। पहला है OMR, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है स्कैनर। इसका आंसर आएगा OMR, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से किया जा रहा है? यानी पहला है नेट बैंकिंग से पेमेंट, दूसरा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, तीसरा है डेबिट कार्ड से पेमेंट, चौथा है कोई नहीं। इसमें जो दिखाया गया है उसमें आ रहा है सी, डेबिट कार्ड से पेमेंट। प्रश्न नंबर 13, नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से किया जा रहा है? पहला है नेट बैंकिंग से पेमेंट, दूसरा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, तीसरा है डेबिट कार्ड से पेमेंट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा नेट बैंकिंग से पेमेंट। प्रश्न नंबर 14, निम्न उदाहरण है जो राइट साइड में चित्र दिखा रखा है, उसमें पहला है मोबाइल वॉलेट,
दूसरा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, तीसरा है डेबिट कार्ड से पेमेंट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा मोबाइल वॉलेट ए। प्रश्न नंबर 15, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम हैं, पहला नेट बैंकिंग से पेमेंट, दूसरा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, तीसरा है डेबिट कार्ड से पेमेंट, चौथा है दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा दिए गए सभी डी। प्रश्न नंबर 16, दर्शाए गए मशीन का क्या नाम है, पहला है प्रिंटिंग मशीन, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है फैक्स मशीन। इसका आंसर आएगा बी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई, इसमें पहला है अगस्त 2015, सेकंड है सितंबर 2015, थर्ड है अगस्त 2014 और फोर्थ है सितंबर 2014। इसका आंसर आएगा सी, अगस्त 2014। प्रश्न नंबर 18, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है, पहला है पासवर्ड, दूसरा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, तीसरा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी, यानी उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम। नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है, क्यूआर कोड, दूसरा है बार कोड, तीसरा है सरकार कोड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यह किसने किसके द्वारा बनाया गया है, पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं, रूपी बनाया है, सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला 21 नंबर प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें पहला है कम समय की लागत, दूसरा है कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, तीसरा है घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना, चौथा आता है दिए गए सभी। तो इसमें आंसर आएगा डी, दिए गए सभी। अगला प्रश्न 22, निम्न में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हुए हैं, इसमें पहला है 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, दूसरा है 1,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर, तीसरा है रुपए का जीवन बीमा कवर और चौथा है दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा डी, दिए गए सभी। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, पहला पेटीएम, दूसरा है SBI, तीसरा BHIM, चौथा है क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर आएगा क्रेडिट कार्ड डी। प्रश्न नंबर 24, विंडो 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है, पहला है कोर्टाना, दूसरा है फोल्डर ताला, तीसरा है विंडोज डिफेंडर, चौथा है ऑल द अबव यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा फोल्डर लॉक बी। प्रश्न 25, दिए गए चित्र क्या दिखाता है, इसमें पहला है एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना, एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना और न्यू अकाउंट बनाना, दोनों विकल्प सही हैं, तीसरा है न्यू अकाउंट बनाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए, एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के क्या क्या विकल्प हैं, इसमें पहला है विंडोज स्टोर से इंस्टॉल करना, दूसरा है इंटरनेट से इंस्टॉल करना, तीसरा है CD या DVD से इंस्टॉल करना, चौथा है दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा दिए गए सभी डी। अब अगला प्रश्न 27, दिए गए चित्र में किसका प्रोसेस दिया गया है, पहला है मेल डिलीट करना, दूसरा है न्यू मेल करना, तीसरा है मेल का इनबॉक्स चेक करना, चौथा है दिए गए में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा न्यू मेल करना बी।
अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में क्या दिया गया है? पहला है मेल का उत्तर देना, दूसरा मेल को भेजना, तीसरा है मेल का उत्तर देना और मेल भेजना, चौथा है दिए गए में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मेल का उत्तर देना, यानी ए। प्रश्न नंबर 29, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? पहला पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तीसरा स्टैंडर्ड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट दोनों विकल्प, चौथा है दिए गए में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी स्टैंडर्ड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। प्रश्न नंबर 30, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल पैनल के द्वारा, एप्लीकेशन ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और एप्लीकेशन ऐप के, दोनों के विकल्प सही हैं या दिए गए में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी कंट्रोल पैनल के द्वारा और एप्लीकेशन सेटिंग के द्वारा, दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 31, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? पहला है POP 3, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, चौथा है IMP और पांचवा है HTTP। इसका आंसर आएगा बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। प्रश्न नंबर 32, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रेश हो जाए तो निम्न में से क्या आप वापस रिस्टोर कर सकते हैं? पहला है इसमें विंडो रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दूसरा सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, तीसरा सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना एवं विंडो रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प, चौथा है दिए गए में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना एवं विंडो रजिस्ट्री रिस्टोर, दोनों विकल्प। प्रश्न नंबर 33, विंडो 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं? पहला है दो से अधिक अकाउंट बना सकता है, दूसरा है दो अकाउंट बना सकते हैं, तीसरा है एक अकाउंट ही बना सकते हैं और दो अकाउंट बना सकते हैं दोनों, चौथा है एक अकाउंट ही बना सकते हैं। इसका आंसर आएगा ए दो से अधिक अकाउंट बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, रिसाइकल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेनू पर, प्रॉपर्टीज या डायलॉग बॉक्स पर? इसका आंसर आएगा ए डेस्कटॉप पर। अब लास्ट प्रश्न नंबर 35, विंडोज डेस्कटॉप पर द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। पहला है फाइल, दूसरा है लेबल, तीसरा है ग्राफ, चौथा है आइकन। इसका आंसर आएगा डी आइकन। आप सभी मित्रों को धन्यवाद। इस प्रकार 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं।